One second. Look here, center. Big boss. Big boss. आ रही है फिल्म Big Boss. Come. Next, Swami Devendra ji, we welcome you, sir. Dr. Anil Murarka, industrialist and founder of Information and ex-student of Reverend C.F. Andrews High School. Thank you, sir. Lead actress of today's showcase movie, Deki. Welcome, ma'am. Mr. Sunil Pal, a stand-up comedian, we all know him. Mr. Suraj Thapa, we welcome you, sir. Who is a TV actor and again ex-student of Reverend C.F. Andrews High School. उद्देश्य के साथ कि हमें अपने अंदर जो शक्ति है उसे समझना है और योग शास्त्र को बहुत ही स्ट्रॉन्गली कहता है कि ऐसा कुछ स्त्री और पुरुष ऐसा भेद शास्त्रों में तो है ही नहीं। शास्त्रों में तो सीधी बात है कि हमारे पास शरीर है और हमारे पास वो आत्मा है। अलग अलग कुछ देखिए स्त्री और ये पुरुष, तो फिर हम क्यों अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं हम स्त्री हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? जो अगर पुरुष अगर कुछ कर सकता है तो स्त्री भी कुछ और कर सकती है। दोनों में काफ़ी ताकत है, दोनों मिलकर एक व्यक्ति होते हैं। इसलिए कोशिश ये की जाए कि हम अपने अंदर की शक्ति को समझें और उसके लिए ज़रूर है कि हम कोई भी परिस्थिति को हम उसका सामना कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है कि याद रखें कोई भी परिस्थिति जो रहा। अभी यहाँ इस फिल्म में तो ये परिस्थिति बताई बहुत ही सीधी सटीक बात कही कि एक ऐसे परिस्थिति में भी सब लोग तो सब दूरी के हिसाब से करते हैं, उसको ले जाना है, वो करना है, और अगर कोई नहीं करते देता तो वो झगड़ते हैं। झगड़ने की जगह सोल्यूशन ढूंढो, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमेशा, और इसीलिए जब सोल्यूशन ढूंढेंगे तो शांत मन से सोचना पड़ेगा। वो बहुत ही सही फिल्म बताई कि वो चिल्ला के और झगड़ते हुए उस आदमी के पास नहीं आए, उसको हम विलन कहते हैं मगर वो हीरो है। आप उसके पास कुछ झगड़ते हुए नहीं आए, वो आई, रिक्वेस्ट किया शांत मन से और उसने सोल्यूशन ढूंढा कि अभी पैसा चाहिए ना उसको, मेरे पास जो है वो ले लिया। ये शांत मन से जब आप कोई भी काम करोगे तो वो सचमुच सही सोल्यूशन बताएगा। और इसीलिए याद रखो कि जब भी कभी परिस्थिति कैसी भी विकट क्यों न हो, पहले अपने आप को शांत करो, रिएक्ट कभी भी मत करो। बहुत अच्छी फिल्म थी है और हर चीज योगिक ढंग से हुई है, यहाँ बिल्कुल व्यवस्थित, और इसीलिए अपने इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और मन को कैसे शांत रखना उसके लिए योग सीखना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आप सब तो यहाँ आए हुए हो ना, सबने यहाँ सीखा है शायद, एंड्रू स्कूल के है ना आप? हाँ, तो आते ही थे बच्चे एंड्रू स्कूल के, मगर लड़के भी है ना स्कूल में। तो खैर अगर हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमें एक मैसेज दिया है, पहले का जमाना और था, आज का जमाना और है। पहले जमाने में हम बेटी को नहीं चाहते थे, बेटे को चाहते थे। आज के जमाना उल्टा हो गया, आज हम बेटे को नहीं चाहते, बेटी को चाहते हैं। ये परिवर्तन हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा आज हमें गौरव है, आज हम ऐसे देश में ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो हमारे देश के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने
एक नारा दिया, एक अभियान शुरू किया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये उन्होंने हमारे देश को एक बहुत बड़ा अभियान दिया। इसके अंतर्गत कई संस्थाएं ऐसे काम कर रही हैं हमारे देश में जो सिर्फ और सिर्फ बेटियों को पढ़ाने का और आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। उसमें से एक प्रमुख संस्था जो है जो एम्पल मिशन जो करीब करीब 12 से 13 वर्षों से लगातार काम कर रहा है और ऐसे कार्य कर रहा है कि समाज में जिस कार्यों को करने के लिए लोग हमेशा पीछे हटा करते हैं उस कार्य के लिए एम्पल मिशन आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा छोटे छोटे जिन इवेंटों के बारे में अभी आपको एक पुस्तक जो अभी अनिल जी बराड़का के लिए लिखी श्री संजय जी ने, उसमें मैंने उसको पूरी पढ़ा, एक एक मैंने 3 बार उसको पलट के पढ़ा। मैं कहता हूँ कि हर बच्चों को एक बार वो पुस्तक आपको शायद अवेलेबल होगी तो आप पढ़ेंगे उसको, उसमें देखेंगे किस तरीके से अपन को लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करना है। तो इसी पुस्तक में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको आज हमारी प्यारी नन्नी मुन्नी सी जो सामने बैठी हुई है बहने बेटी, मैं चाहूँगा कि अपने अपने बलबूते पे आप ऐसा काम करें ऐसा इतिहास रचें कि अपने आप में गौरव हो और दुनिया आपको प्रणाम करे। मेरी यही शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके स्कूल टीचर्स के लिए कि इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने व्यवस्थित तरीके से आप लोग सामने बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत करना चाहूँगा। और हमारे डॉक्टर अनिल मुरारका जी और उनका बेटा सिद्धांत जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं हकीकत में मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो जरूर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सिद्धांत कहाँ है बेटा, इधर आओ, इधर आओ। ये सिद्धांत है अनिल जी का बेटा और इतने अच्छे कार्य कर रहा है, पूरा अनिल जी का पूरा कार्य इसने ले लिया है कि पापा आप बैठिए मैं पूरा कार्य करता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे अनिल जी से 10 गुना अच्छा कार्य कर रहा है। ऐसे फिल्मों के लिए प्रोड्यूसर मिलता नहीं है, लेकिन अनिल जी आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सोहेल साहब जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ी बात कर, ये चाहते तो 3 घंटे की फिल्म बना सकते थे, इस विषय के लिए 3 मिनट भी कम है, लेकिन 3 मिनट में इस बात को खत्म करना ये बहुत बड़ी बात है उन्होंने किया। इस बात के लिए मैं उनको भी सलाम करता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली फिल्म बिग बॉस, कौन सी फिल्म बिग बॉस, सर पे जो बिग पहनता है ना बिग, वो बिग बॉस जल्द आ रही है और मैं चाहता हूँ कि अनिल मुरारका साहब उस पर भी सपोर्ट करें। मैंने इतनी तारीफ मुहिम नहीं की, मैं चाहता हूँ कि आने वाली मेरी फिल्म कौन सी फिल्म, बच्चे मन के सच्चे, और इसे सपोर्ट कौन करे, बच्चे इनको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं क्या, नहीं ना, सब बैठना मुश्किल हो जाएगा। ताली मार दो सुनील जी के जोर से, बहुत ही कमाल के एंटरटेनर हैं सुनील जी, आप इस शो से कहते हैं सुनील भाई। ओके, फिल्म तो अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया बनी है, हम सब ने देखी, बहुत अच्छा मैसेज है, छोटे से समय में इतनी बड़ी बात कह देना और कलाकारों के साथ मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लिखा और डायरेक्ट किया गया, अनिल जी ने प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत लोग चाहते हैं कि ये जो सोच है वो आगे बढ़े और लोगों के सामने आए, लेकिन बहुत कम लोग इसको प्रैक्टिकली ला पाते हैं सबके सामने। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा दोस्त अनिल रेगुलरली इन चीज़ों के पीछे पड़ के फिर आ गए, नाश्ता खाने के, मुझे बहुत खुशी है कि अनिल रेगुलरली इन चीज़ों के लिए काम करता रहता है और लोगों के सामने इस तरह से उन चीज़ों को पेश करता है कि एक अच्छा मैसेज सब तक पहुँचे। बिकॉज हम लोग कितनी भी स्पीचें दे दें, कितनी भी बातें कह दें, माइक पे कहें तो चले जाएँ, लेकिन इस तरह की फिल्में बहुत अच्छे माध्यम से हज़ारों करोड़ों लोगों तक पहुँचती हैं। तो
So it's a very good effort, and let's all pray that he keeps doing that. And a very big hand for my friend Anil Murarka. And हम यहीं पे पढ़े हैं आप ही के स्कूल में एंट्रेंस, लेकिन कभी यहाँ पे एंट्री नहीं होती थी, हम लोग अलाउड नहीं था, आने नहीं देता था, बिकॉज हम लोग सिर्फ बाहर से देखते थे, शांति 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 चले जाओ. तो अभी आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप लोगों को यहाँ पे आने को मिलता है और हम यहाँ खड़े हैं मैम के सामने. थैंक यू सो मच. तो योगा करना चाहिए कि हमने बचपन में सिर्फ देखा, दूर से समझा, और शायद इसी वजह से हम आज योगा करके अपने आप को शांत कर पाएँ. सो थैंक्स थैंक्स टू यू एंड द योगा इंस्टीट्यूट कि हम लोग ये मैसेज हमें मिला बचपन में. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू जी. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रेरणा जी टू से फ्यू वर्ड्स. तो आज जो एम्पल मिशन ने ये जो प्रेजेंट किया है इस फिल्म को, शॉर्ट फिल्म को, बेटी सबसे पहले प्रेजेंट करने वाला, पेश करने वाला सबसे पहले एम्पल मिशन के लिए अनिल गुरारकर जी के लिए और पूरे परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली. बेटी से दुनिया में रौनक है, बेटी से दुनिया में रौनक है, बेटी से दुनिया भी जन्नत है. बेटी ना होती तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होता, मैं भी ना होता. थैंक यू. और ज्यादा क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा सब्जेक्ट जो बेटी का होता है, बेटी माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी दादी भी होती है, नानी भी होती है, भाभी भी होती है, मतलब औरत कोई भी हो, वो बूढ़ी हो चाहे बच्ची हो, बेटी है. सही बोला मैंने? आप सब लोगों से पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि do you all know कि आज का दिन ही हमने क्यों सिलेक्ट किया ये फिल्म रिलीज करने के लिए? क्योंकि कल इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है, इसीलिए अनिल मुराका जी ने जिन्हें क्या सेलिब्रेट किया, वी मेड श्योर कि देखिए बहुत बोला जाता है कि हर दिन बेटी का दिन है या हर दिन एक औरत का दिन है, बट यस कुछ ऐसे स्पेशल डेज होते हैं जो हम ह्यूमन बींग्स को याद दिलाने के लिए बनाए जाते हैं कि यस दीज आर द डेज और दिस इज एन एंटिटी जिनको आपको आज के दिन तो बहुत स्पेशल अटेंशन देना है, बट ऑल ईयर राउंड देते रहना है. बस इसी इंटेंशन से आज के दिन अनिल भैया ने एक फिल्म रिलीज की, एंड आई थिंक आज से बेटर कोई और दिन नहीं हो सकता था. जहाँ तक फिल्म के टॉपिक की बात है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल रियलाइज दैट टुमारो जो आने वाला कल है वो बेटियों का, राइट और रॉन्ग? मतलब आप लोग को देखिए, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड हो, और एनी वेयर यू सी, आज कल बेटी या एक लड़की हर तरीके से कंधा मिलाकर चल रही है. मुझे बहुत खुशी होती है एंड आई फील रियली रियली ग्रेटफुल कि मुझे इस पर्टिकुलर रोल के लिए चूज किया गया था. मतलब ये जो छोटी सी फिल्म मैंने देखी या जो छोटा सा एक 5 मिनट का जो मैंने किरदार निभाया, बट एक एक लाइन जब मैं बोल रही थी, सो मैं एक एक लाइन फील कर रही थी कि एक्चुअली जब ऐसा होगा तो मेन और विमेन में फर्क ये है कि मेन जनरली अपने दिमाग से सोचते हैं, मेन जनरली प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन विमेन या लड़कियाँ दिल से और दिमाग से सोचती हैं. लड़कियाँ पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में भी सोचती हैं. तो जैसे ये लड़के थे, वो लड़कों ने बहुत ही दिमागी तौर पर जवाब दे दिया कि नहीं, हमारे पापा ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला. तो हो सकता है कि ये सामने वाला आदमी गलत बोल रहा हो, जो कि इन अभी वो भी सही थे अपने हिसाब से, लेकिन जो बेटी थी उसने पास्ट के बारे में सोचा कि हो सकता है पापा ने ना बोला, लेकिन हो सकता है पापा ने लिया भी हो इनसे लोन. अब प्रेजेंट में उस लोन की वजह से मेरे पापा की अर्थी नहीं उठी, और फ्यूचर मेरे लिए या मेरे भाइयों के लिए जो मेरे पापा ने किया, हमें पढ़ाया लिखाया, और जो हमारा फ्यूचर हमारे पापा ने सिक्योर किया, उसकी वजह से जितना भी लोन बोल रहे हैं 10 लाख रुपए, आई थिंक ये बहुत कम है आगे जिंदगी भर, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया तो ऐसे 10 लाख तो पर मंथ में कमाऊंगी, तो ये 10 लाख रुपए अभी ना देने में तो बहुत छोटी सी बात है. आई थिंक वो एक चीज मुझे लगता है लड़कियों में होती है, एंड आई रियली नॉट टुडे एंड आई सेलिब्रेटेड एवरी डे बीइंग अ गर्ल, एंड आई होप
होप कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में हमेशा ये बात सेलिब्रेट करते रहें और इस बात को बहुत सीरियसली लें कि आप पढ़ाई करें, अच्छे नंबर से पास हो, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार में अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने बच्चों को, सबको अच्छे संस्कार दोगे और सबको आगे जाके एक अच्छे जेनरेशन में कन्वर्ट करोगे. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर फॉर लिसनिंग दिस इवेंट. हाय ना, सुनील भाई ने कहा कि हम ये मूवी बनाते हैं, इनको कुछ अवार्ड्स में लेके जाएं. सुनील भाई, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू, हम किसी मूवी को आज तक अवार्ड में लेके नहीं गए. हमारा मुद्दा एक ही है कि अगर हम समाज तक कोई मैसेज पहुंचा सकें, उसे हम पहुंचाएं. इट्स नॉट अबाउट अवार्ड्स. अगर वो समाज तक पहुंच जाएगा, वो अवार्ड अपने आप हमारे लिए बड़ी बात है. हम सबके लिए समझना ज़रूरी है. आज बेटियां एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में प्ले कर रही हैं. उनका महत्व हम समझें, उनको बढ़ने दें आगे और ये एक आवाम तक पहुंचाएं कि बेटियां आज अपना गुमान है, अपना अभिमान है. इट्स बेसिकली एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है कि लेट द वर्ल्ड नो द डॉटर्स ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ द कॉन्टिनेंट टुमारो. क्यों मिली? यस बिल्कुल. मैं तो इसके पहले भी आपकी डॉक्यूमेंट्री बहुत सुपरहिट हुई थी, पूरे देश क्या बहुत तेजी से वायरल भी हुआ था. तो क्या लगता है कि उससे कहीं और बेहतरीन बनी है? मैं अब तक जिंदगी में जो कुछ किया है, कोई चीज़ वायरल करवाने के लिए नहीं किया है, ना कोई अवार्ड्स के लिए किया है. एक जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, समाज तक एक मैसेज पहुँचाना ज़रूरी है. वो जब मैसेज हमारा समाज तक पहुंच जाता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, हमारे लिए एक रिवॉर्ड है. तो समाज को जागरूक करना ये हमारी सोच है. इट्स नॉट अबाउट एनी एक्लेमेशन, एनी अवार्ड्स. वेल, फिल्म करने के बाद क्या चेंज आया? आई डोंट नो इफ देयर कैन बी एन एलैबोरेट आंसर टू दिस, बट यस, जब मैंने ये फिल्म की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेटियाँ या फीमेल्स जो है वो एक ऐसी स्पीशी है. बेटियाँ जो है वो बेटियाँ जो हैं वो होती हैं जो दिल से और दिमाग से सोचती हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं सोचती हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में ऐसे ही होना था. सिर्फ दिमाग से काम लेना या सिर्फ दिल से काम लेना, ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती. तो बेटियाँ ही ऐसी होती हैं जो दिल से और दिमाग से काम लेती हैं. अगर आपने हमारी फिल्म देखी हो तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से उस घर की बेटी ने वो पूरा जो माहौल था, इतनी उनकी ज़िंदगी की ऐसी नाजुक मौके पे जब उनके पापा की अर्थी नहीं उठाई जा रही है, उस मौके को जो प्रॉब्लम आ रही थी वो उनकी
बेटी ने कितने अच्छे तरीके से संभाला, तो आई थिंक ये चीज़ की काबिलियत जो है वो बेटियों में डेफिनेटली ज़्यादा है। एंड मैं बहुत ही प्राउडली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बोलूँगी, जैसे कि अनिल भैया ने बोला कि आने वाला कल जो है हमारे इस कॉन्टिनेंट का जो है वो बेटियों का है। जिस तरीके से पहले लोग बेटा चाहते थे या बेटे के लिए एक मन्नत मांगते थे, वैसे आने वाले कल में लोग बेटियों के लिए मन्नत मांगेंगे। याद रखिएगा मेरी बात। जैसे कि आप जानते होंगे कि अनिल जी हमेशा एक अच्छे कार्य के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और एम्पल मिशन हमेशा ऐसे एक सोशल सब्जेक्ट फिल्म बनाते हैं जो लोगों तक हम पहुँचाएँ, और वो कोशिश रहती है कि अगर उन फिल्म के थ्रू किसी की भी ज़िंदगी में कुछ भी एक तब्दीली आए, एक्चुअली कोई भी चेंजेस आए, तो उनका जो मकसद है वो पूरा हो। इस बार अनिल जी ने कहा था कि कुछ इन दिनों इस तरह का कैंपेन चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर हम कुछ करना चाहेंगे, तो हमने ये फिल्म सोचा बेटी, और ऐसा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था जिस पर हमने एक 4 मिनट के अंदर ऐसा कुछ कहना चाहा कि आज के टाइम पर बेटी कंधे से कंधा मिलाते हुए, और अगर कहे तो जो एक सन होता है, लड़का होता है, एक्चुअली एक कहावत होती है कि अ सन इज़ अ सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ, बट अ डॉटर इज़ अ डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ, एक्चुअली इस तरह से है। तो हमारी फिल्म के द्वारा भी हमने इसी तरह के बताने के लिए जो लड़के हैं घर के जो सन है वो किसी चीज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी से पीछे मुकर गए, अगर बेटी आगे आई और बेटी ने जो एक हिम्मत दिखाकर उस सिचुएशन को हैंडल किया वो काबिले तारीफ था। और हकीकत में भी हम देखते हैं एक्चुअली कि आज जो बेटी है कंधे से कंधा मिलाती है, और लोग मिताली जी ने जैसे कहा कि सन की इच्छा करते थे, लेकिन आज अगर ऐसा हुआ कि बेटी की इच्छा करते हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमारे इस फिल्म द्वारा लोगों में एक जागरूकता आए कि बेटी भी सन के बराबर है या उससे आगे है इनफैक्ट। बट दिस इज अबाउट द मैसेज वॉज दादा, एक लाइन बोलूँगा सबसे पहली बात तो ये कि एम्पल मिशन की जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज अभी तक की बनी है उसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री उठा लो उसमें एक ऐसा मैसेज है कि वो मैसेज देखने के बाद, मैं ये नहीं कहता कि लाखों परिवारों को या हज़ारों परिवारों को, वो मैसेज देखने के बाद में किसी एक परिवार को भी अगर मैसेज मिल जाए, एक इंसान की जान बच जाए, तो मैं समझता हूँ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जान बची। तो ये जो मैसेज देते हैं अनिल जी, जब भी मैसेज देते हैं तो वो, उन्होंने पहले भी कहा कि ना अवार्ड के लिए कहता हूँ तो ये करता हूँ, ना मैं कोई नाम के लिए करता हूँ, मैं सिर्फ करता हूँ कि समाज में मैसेज फैले। और आजकल लोग कोई भी छोटे से छोटा काम करते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा नाम हो, अपने आप को प्रेजेंट करने के चक्कर में हर इंसान जुटा है, बट उनकी ये सोच सबसे अच्छी है, सबसे साफ सुथरी, सबसे पाक सोच है कि जो भी काम करते हैं समाज के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं और सिर्फ समाज के लिए करते हैं। एक सवाल है, आपको बेटी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो दूसरों की बेटियों में अपनी बेटी को ढूंढते हैं, इसीलिए मैसेज फुल जो सब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे बेटी बनाया इन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये एक बाप की भावनाएँ हैं, बाप की भावनाएँ हैं जो ये सब्जेक्ट के माध्यम से बाहर आ रही है, और लोगों को इससे सीखना चाहिए और इससे हमको भी मैसेज लेना चाहिए कि एक शख्स की बेटी ना होने के बावजूद भी बेटियों के प्रति इतना प्यार, इतना उत्साह, इतना समाज में जो है तो ये वायरल करने का जज्बा है, तो ये सबके अंदर नहीं होता। तो मैं बस ये चाहूँगा कि एम्पल मिशन के हमारे अमीर अनिल मुरारका साहब अपने आप में एक मिसाल है, मतलब उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि वो सबको गले से लगा के